प्रथम डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार वर्ष 1998 में प्रदान किया गया। आज वर्ष 2005, 2006 और 2007 का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र, शॉल और एक चेक प्रदान किया जाएगा। हम अनुरोध करते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से कि कृपया डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार प्रदान करें। वर्ष 2005 के लिए आठवां डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार संयुक्त रूप से दो संस्थाओं को प्रदान किया जा रहा है, मिजोरम मेथाई विडोज एसोसिएशन मिजोरम और पीपल्स फोरम भुवनेश्वर उड़ीसा। '87 में प्रारंभ मिजोरम मेथाई विडोज एसोसिएशन असहाय महिलाओं, विधवाओं तथा परित्यक्त अनाथ बच्चों की मदद करने को कटिबद्ध है। संस्था वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल चलाती है, विधवाओं, विपत्ति में घिरी महिलाओं को सहायता प्रदान करती है तथा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए स्वाधार योजना के अंतर्गत गृह चलाती है। संस्था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि और विभिन्न बैंकों से ज़रूरतमंद महिलाओं को ऋण सहायता उपलब्ध कराती है। संस्था के पास परित्यक्त बच्चों के लिए गृह है तथा ये उनके दत्तक ग्रहण एडॉप्शन की भी व्यवस्था करती है। ये मिजोरम के दूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक भी चलाती है। संस्था को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2002 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी अध्यक्ष श्रीमती वेरोनिका जातलुआंगी पुरस्कार ग्रहण करेंगी। मिजोरम मेथाई विडोज एसोसिएशन। पीपल्स फोरम भुवनेश्वर उड़ीसा। मानसिक रूप से रोगी महिलाओं के बचाव और पुनर्वास तथा विपत्ति में घिरी सैकड़ों महिलाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पीपल्स फोरम भुवनेश्वर को संयुक्त रूप से वर्ष 2005 का आठवां डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। संस्था का पंजीकरण दिसंबर 1990 में किया गया था। संस्था की मुख्य गतिविधियों में इसका मिशन आसरा, निराश्रित महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, गरीब, ज़रूरतमंद एवं उत्पीड़ित महिलाओं के स्व सहायता समूहों के गठन में सहायता करना और उत्पादन गतिविधियों में महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिकता देकर आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाना शामिल है ताकि उनके लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने वाली गतिविधियों का सृजन किया जा सके। फोरम तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाता है ताकि गरीबों को बैम्बू व्यवसाय जैसे सामूहिक विकास की गतिविधियों में लगाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इनका मिशन अन्नपूर्णा महिला सशक्तिकरण के लिए है। पीपल्स फोरम परिवार परामर्श केंद्र महिलाओं के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन तथा एचआईवी एड्स पर जागरूकता लाने का कार्य भी करता है। इनके अध्यक्ष श्री गोविंदा पटनायक पुरस्कार ग्रहण करेंगे। पीपल्स फोरम भुवनेश्वर उड़ीसा। सुमंगली सेवा आश्रम बेंगलुरु कर्नाटक। वर्ष 2006 का नौवां डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार बेंगलुरु के सुमंगली सेवा आश्रम को दिया जा रहा है। इस संस्था का पंजीकरण 1975 में हुआ था। संस्था की मुख्य गतिविधियां हैं परित्यक्त अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा एवं विकास तथा महिलाओं के उत्थान के लिए सामाजिक आर्थिक अवसर उपलब्ध करवाना। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पहल के अलावा संस्था व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, लघु ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है तथा परिवार परामर्श केंद्र चलाती है। इसके 100 से अधिक शिशु गृह हैं। ये आय अर्जित करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है एवं महिलाओं के लिए अल्पावास गृह और जागरूकता प्रसार कार्यक्रम भी चलाती है।
अपनी शुरुआत से अब तक सुमंगली सेवा आश्रम ने विपत्ति से घिरी हजारों महिलाओं की काउंसलिंग की है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्था को 1991 में नेशनल अवार्ड फॉर हैंडलूम यूनिट, 1985 में बाल कल्याण के लिए कर्नाटक स्टेट अवार्ड, 1991 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड, 1998 में महिला एवं बाल विकास विभाग कर्नाटक सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए रानी किट्टूर चेन्नम्मा अवार्ड, 2000 में समाज कार्य के लिए राज्योत सेवा अवार्ड, 2001 में राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड तथा 1994 में ग्रामीण उद्यम के लिए जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी अध्यक्ष श्रीमती एस डी सुशीलम्मा पुरस्कार ग्रहण करेंगी। सुमंगली सेवा आश्रम बेंगलुरु कर्नाटक। स्नेहालय अहमदनगर महाराष्ट्र। वर्ष 2007 का 10वां डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार महाराष्ट्र के अहमदनगर के स्नेहालय को दिया जा रहा है। इस संस्था ने रेड लाइट एरिया और अन्य निसहाय महिलाओं के पुनर्वास के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। स्नेहालय की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी और इसका औपचारिक पंजीकरण अहमदनगर में 1992 में हुआ था। स्नेहालय स्नेह आशा चला रहा है, जो एचआईवी संक्रमित महिलाओं और बच्चों के लिए पहला आवासीय मुफ्त सुरक्षा सहयोग व पुनर्वास गृह है। स्नेहाधार एक पुनर्वास केंद्र है जो अवयस्क बालिकाओं और महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बचाने और उनके पुनर्वास का कार्य करता है। स्नेह ज्योत वेश्याओं द्वारा चलाई जा रही परियोजना है, जिसमें वेश्याओं और उनके बच्चों के लिए क्लिनिक, स्व सहायता समूह और ड्रॉप इन सेंटर चलाए जा रहे हैं। स्नेहांकुर एक दत्तक ग्रहण केंद्र और अनब्याही माताओं के लिए संपूर्ण पुनर्वास केंद्र है। बाल भवन झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए केंद्र है। विपत्ति में घिरी स्त्रियों और वेश्याओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है। चाइल्ड लाइन मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए टेलीफोन हेल्पलाइन चला रहा है और मुक्ति वाहिनी स्वयं सेवकों का दल है, जो महिलाओं और छोटी बालिकाओं को वेश्यावृत्ति तथा बाल मजदूरी से सुरक्षा देता है। स्नेहालय ने वेश्यावृत्ति के जाल में फंसी बहुत सी बालिकाओं और महिलाओं के बचाव के लिए सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया है और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनका पुनर्वास किया है। इस अत्यधिक मुश्किल कार्य में अपने मिशनरी प्रयासों एवं अपने क्षेत्र में नाबालिग बच्चों के देह व्यापार की घटनाओं में कमी लाने जैसे सराहनीय कार्यों के लिए स्नेहालय को वर्ष 2007 के 10वें डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इनके अध्यक्ष श्री एम ई कुलकर्णी पुरस्कार ग्रहण करेंगे। स्नेहालय अहमदनगर महाराष्ट्र।